Honest, factual, brave performers and storytellers, stage per dosto, wow, what a moment. Ladies and gentlemen, the team of Sabarmati Report, dalia please, in sab to bring conversations and debates like this is fabulous, ekta. फैबुलस यू ऑलवेज बीन अटोरी टेलर एंड दिस इज ब्रेव एंड हाउ एंड एडमायज फॉर दिस इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या था इस बार नमस्ते इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी से ज़्यादा हमें अपने देशी भाषा में बात करनी चाहिए अगर आपको मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊँगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही और हम सब गुनगार हैं अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले और अब थोड़ा वो बदल गया है बट वो ए, एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग आ, दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म और जब अमूर और अंशुल मेरे लिए ले ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9 इलेवन के बारे में सबको पता है ये पता है कैसे हुआ किसने किया क्या हुआ हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम हम भारतीयों को ही नहीं पता है तो हमने आई सेड कुछ करूँ ना करो ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगी अमोल और अंशुल अंशुलचुलेन्स uh, एकता ने बोला था कि आप आए उनके पास इस प्रोजेक्ट के साथ पर आपको क्यों लगा उस वक्त कि ये स्टोरी बोलना बहुत बहुत जरूरी है और क्यों क्या मैसेजिंग है इसमें की बात तो आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है एक स्टेटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग uh, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजिली hmm. एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग वो नहीं होना चाहिए था एंड दैट्स वॉट हम मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी एंड nobody else I could have partnered with and made this happen with without her. मतलब एकता and I go back a long way. पर बहुत मतलब इनसे better collaborator है ही नहीं ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा. That's why we went to her and rest is history I think. Well, uh, creating history is also going to be Anshul Mohan. जी अच्छा डिट्टो नहीं आप कुछ बोल दीजिए चलिए था कि ये कहानी पता होनी चाहिए इट शुड नॉट जस्ट रिमेन पेपर वैन वी गॉट ऑफ इट फिल्म दैट नीड्स टू बी अ डिबेट पीपल शुड टॉक अबाउट इट सबसे बड़ा थॉट वही था पिक्चर के साथ दैट्स वेन वी रीज डॉट एकज विदेन ऑन पेपर इट्स समथिंग दैट शुड बी आउट फॉर एवरीबडी

अन सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हियर एंड फॉर योर रिस्पॉन्स टू द ट्रेलर हमारा हमारी हिम्मत और बढ़ती है सो थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग द रूम हियर आई थिंक इंस्परेशन से मेरी मेरे लिए इंस्पिरेशन ना कहानी थी मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है एज एन एक्टर टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज़ जो uh, कुछ इम्पैक्ट फुल यू नो रिज़ल्ट दे पाएँ एंड uh, लोगों को कुछ ऐसा दे पाएँ कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए खुद के लिए और रही बात जर्नलिस्ट की तो बहुत सारे यू नो दे से दैट यू शुड नॉट मीट योर आइडल्स यू शुड नॉट पिक टू मेनी थिंग गेट टू क्लोज टू नोइंग योर आइडल्स मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जर्नलिज्म एक जर्नलिस्ट थे कुछ एक पर्टिकुलर जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी की के लिए वो ज़रूरी था लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को यू नो दिखाता है मेरा जो कैरेक्टर है अब ट्रेलर सबने देख लिया है तो माई कैरेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम सो वेन यू लोकेटेड कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं लेकिन ये है हम प्यार से सूडोल लिबरल, लिबरल कहते हैं एक पूरा सिस्टम है जिसको आप जरूर देखिए और वो जरूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ब्लैक वाइट ग्रे पिंक येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए वेल राशि नमस्कार नमस्कार आपने क्या सीखा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में थ्रू योर जर्नी इन दिस फिल्म थैंक यू ऑल फॉर कमिंग नमस्ते आप सबको पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट और जर्नलिस्ट इन जनरल आई थिंक सभी मीडिया वालों के शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने यही सीखा सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी यू हैव द पावर टू चेंज द थाट प्रोसेस ऑफ एन एंटायर जेनरेशन तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आई थिंक हमारे चार पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फोर फ्रंट पर होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए रेपोकशंस भी उन्हें पता होते हैं लीगल प्रोसेस हैं आपको जेल जेल में जाना सक, आप, आपको जेल में जाना पड़ता है आप, आपको मारा पीटा जा सकता है वी सी दैट थ्रू एक्चुअली थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब तो जब मैं ये कर रही थी तो यू नो मुझे बहुत एम्पति फील हुई उनके लिए जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए एंड ऑल दे वॉन्ट टू डू इज बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कि हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुँचें क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं एक जर्नी दिखा रहे हैं um, and I have to thank the makers. I have to thank Ekta for her conviction in the story, uh, for Amul and Anshul to bring it to her. And I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं आप सबको सलाम. Thank you. Thank you. Thank you so much, धीरज, Um, जैसे अभी राशि ने कहा फैक्ट्स है बहुत सारा रिसर्च किया है मैं आपसे प्रोसेस समझना चाहता हूँ फॉर दिस फिल्म कितना रिसर्च किया आपने और किस हद तक आप गए फैक्ट्स पाने के लिए और रिसर्च के लिए नमस्कार ये जो सब्जेक्ट है मतलब इसके लिए बहुत सारी रिसर्च बहुत सारे फैक्ट्स मतलब इसमें हम कहीं गलत हो ही नहीं सकते थे लेकिन हमारी जो एक फिल्म में ट्रेलर में एक लाइन भी है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात रह कैसे गई देट वॉज द बेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जुड़े कि यार ये बताना रह गया तो ये तो बताना चाहिए ज द फैक्ट उसके लिए लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने बिना रिसर्च या बिना फैक्ट या बिना किसी नॉलेज के बिना सबसे पूछे और बिना इतिहास को खंगाले हमने किया हो सब कुछ रिसर्च के साथ ही जो फैक्ट हुए सो मच थैंक यू थैंक यू विक्रांत ट्वेल्थ फेल ब्लॉक बस्टर

I, I hold you in the highest regard. I love you. But बट uh, जैसे आपने introduction में कहा actually इस film में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज्यादा मायने रखती है because एकता था and I have collaborated yet again. She gave me my first break in movies. मूवीज जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला मैं टी वी चला गया मुझे वहाँ से निकालने वाली भी यही है दिस इज आवर एट्थ प्रोजेक्ट हो

देश हो या इंसान गिरकर ही संभलता है झूठ का चाहे जितना भी लंबा दौर हो उसे सिर्फ सच ही बदलता है इट्स अ लाइन फॉर ऑल एजेस मेरे भाई कितना रेजनेट करते हैं आप इस लाइन से आपकी जर्नी में सर uh, मैं रेजनेट करता हूं उस हर एक चीज से जो हमने साबरमती रिपोर्ट में कही है इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं एंड एज राशि सेड दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म क्योंकि वन ऑफ द रीजन वाई आई आई केम ऑन बोर्ड जब यह कहानी दी गई कहानी के साथ साथ जितनी कहानी दी गई उतना ही रिसर्च मटीरियल भी प्रोवाइड किया गया सिर एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम वेन आई वॉज रीडिंग वेन आई वॉज थिंकिंग ओवर इट मुझे खुद पता चला कि मेरे खुद के घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं तेरह चौदह साल के जिनको साबरमती हादसे के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं और ये मेरे खुद के घर में वो बच्चे हैं एंड विद द एडवांटेज ऑफ हाइंड साइड क्योंकि ये चीज 22 साल पहले हुई है देर इज एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अगर हम इंटरनेट का सही उपयोग करें तो जो सारी चीजें हमने फिल्म में कही हैं वो हमने किसी समुंदर के अंदर से खजाना खोद के नहीं निकाली वो इंटरनेट पे है पर हम पढ़ना नहीं चाहते हम देखना नहीं चाहते हम जानना नहीं चाहते एंड प्राइमेरिली जैसे हमने कहा इस फिल्म में जो मेरा ही डायलॉग है कि उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी लेकिन उनके बारे में उन उनसठ लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की पर हम करने आए हैं एंड जैसे अमूल ने कहा लास्टली अनफॉर्चुनेटली दिस इज बिकम अ नॉर्म फॉर अस हम रोज सुबह उठते हैं अखबार खोलते हैं देखते हैं इतने मर गए इतने चले गए इतना ये हो एंड वी गो ऑन विद विद्स बट दिस वॉज आवर नाइन इलेवन ये एक ऐसा हादसा था जिसने हमारे सोशियो पोलिटिकल फैब्रिक को रातों रात बदल दिया गोधरा राइट्स के बारे में दी अनफॉर्चुनेट राइट्स के बारे में बहुतों ने बात की विदेश से लोग आए सब ने बात की लेकिन किसी ने उसके जेनेसिस की बात नहीं की किसी ने साबरमती हादसे के बारे में बात नहीं की एंड एस वी ऑल नो दैट एकता इज अ वेरी ब्रेव पर्सन एंड द फर्स्ट टाइम आई मैटर शी सैड कि और जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं ना करूं शी सेम थिंग टू मी आई डोंट केयर वॉट हैपन्स टू दिस फिल्म हम बॉक्स ऑफिस के नशे में जीते हैं वेदर दिस फिल्म मेक्स मनी और इट डज नॉट मेक मनी क्या होगा कैसा होगा आई वॉन्ट इन माई लाइफ टाइम आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म that I am proud of. So thank you so much. Thank you. Thank you. We really love you guys. Thank you so much for all your love. Thank you so much. Uh, before I throw it to our media brothers and sisters, uh, the, obviously, एक हाथ से के बारे में जिसने देश की इतिहास को बदला, आपका क्या interpretation है इस फिल्म से एकता, खुद का? मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ़ एक हादसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बाद का बदलाव भी इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये फिल्म को मैं एक सोशल कॉमेंट्री मानती हूँ अभी भी आजकल भी वो छिड़कियाँ हैं बट पहले तो पूरा एक एक थॉट प्रोसेस था कि अगर आप हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते और उसे भाई यार ट्रे लाइके आना तो आप क्यूट हो और अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोल पाते तो हम अनकूल हो अरे प्रोनाशिएशन गलत हो गया ऐसे नहीं ऐसे बोलते इंग्लिश तो इंग्लिश पे इतना जोर और ख़ुद की लैंग्वेज पे कोई ज़ोर नहीं मेरी भाषा चाहे वो मराठी हो गुजराती हो चाहे बंगाली हो चाहे हिंदी हो राष्ट्रभाषा हो उस पर कोई ज़ोर नहीं है कि आपने वो प्रोनासी रॉन्ग किया आप कितने क्यूट हो ओ हाउ क्यूट और अंग्रेजी में आप झूठ भी बोलो तो स्टाइल में बोलोगे तो लोग खरीद लेंगे एलिक्वेंस सोल्ड एज गाबेज इन अ कंट्री फॉर मेनी इलेक्वेंस ट्रूथ कैन बी स्पोकन इन ब्रोकन हिंदी इन ब्रोकन इंग्लिश इट इल स्टिल रिमेन द ट्रूथ वेल सेड एक था राउंड लाइन अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना हाथ रेस करे हमारे दोस्त आएंगे आपके पास फॉर क्वेश्चन जो आप हमारे से पूछ सकते हैं रिलेटिंग द ट्रेलर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही इतना ही है नहीं मैं मैं दे 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 तो ये एक सिर्फ एक पहलू दिखाती है और उसके बाद जो हुआ जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं बात कर रहा हूं सात सौ नब्बे और जब मैं यू नो इसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो सात लोग ऑफिशियल आंकड़े जो गोद पोस्ट यू नो इसके बाद जो हुआ जो गदर हुआ लोग मरे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो लेकिन लोग मरे और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियाँ रेप हुआ उनका क्या ख़ास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की क्योंकि ये एक पहलू है सिर्फ़ एक पहलू देख 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 रहे हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड इट

और बड़ा बहुत बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूं कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में सो कूल यू नो मैम सो यू यू नो द वे दे जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है क्या बरखा दत दा, बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं क्या बरखा को आप बॉट्रे कर रही है क्योंकि शी द द ओनली वन हु ऑन ग्राउंड एंड अपार्ट फ्रॉम हर अदर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट वॉर ऑन द ग्राउंड आई थिंक आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड तो वो थी ऑन ग्राउंड और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है इट्स अ ट्रू स्टोरी इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड और uh, चाहे वो एक जर्नलिस्ट हों या चार जर्नलिस्ट हों लेकिन ये ये कहानी उन्हीं की उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है तो अगर आप बोल रहे हैं आप नाम ले रहे हैं तो शायद आप uh, सही नाम ले रहा हूँ या क्योंकि क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना यह एक सिस्टम uh, को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर ये मैं कहना चाहूंगी विक्रम क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज कुछ भी, भी <laughs> क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई है सर आप ये तीसरा सवाल है आपका लेट अदर्स सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन Uh, क्या मुझे धमकियां आई हैं आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने जी हाँ मतलब uh, ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं uh, जी हाँ आई हैं और आ रही हैं बट आई सेड कि हम कलाकार हैं हम कहानियां बोलते हैं और लोग क्या सोचते हैं उनको क्या लगता है यहाँ ये फिल्म एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आई टेक इट फ्रॉम एक टाइम सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है सो so ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है पूरे तीन मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का मीडिया हमने

स्वागत करना चाहूँगी क्योंकि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट उठाया और उठाने की हिम्मत रखी लेकिन मेरा सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ एक है आप लोग इसमें बार बार कह रहे हैं कि इसमें एक ही पहलू नहीं दोनों पहलू देखा गया है लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा हादसा हादसा तो मैं नहीं कहूँगी अच्छा नहीं था हादसा नहीं था और जो भी था लेकिन इसने पूरे देश को दो धड़े में बांट दिया था और दो धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते इसमें पुलिस ऑफिसर्स सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं पुलिस ऑफिसर्स पॉलिटिशियंस इवन पार्टीज जो उस वक्त की पार्टीज थी वो सारे इसमें इस घेरे में आ गई थी और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था और देश की छवि खराब ना हो ये ना हो वो ना हो उसके बीच में ये जो फिल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने दोनों पहलुओं को दिखाया गया है तो वो किस तरह से जैसे इसमें आपने एक बहुत अच्छा वर्ड किया है विस्थापित इस कांड के बाद बहुत सारे लोग गुजरात से विस्थापित हो गए और वो एक धड़ाई था तो आपका दोनों तरफ का पहलू कितना बैलेंस था हाँ. और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीज़ें कट जाएंगी मुझे बिल्कुल डर नहीं था बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है बिकॉज अगर डरना होता तो एक एक बात तो मैं आपको बता दूँ ये तो ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है ओके okay. जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो कितना भी लोगों को इशू हो वो सच नहीं रहेगा वो झूठ नहीं बन सकता तो अगर बताना सच है तो सच बताना है दोनों पहलुओं के साथ कभी कभी अगर आप एक अगर मैंने एक पार्ट एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते बिकॉज फिर मुझे छः बीस घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप कहानी बनाते हो कुछ लोगों को अच्छी लगेगी कुछ लोगों को बुरी लगेगी बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूं अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता अब हमला रहे और ये ये सभी के लिए है जो कही कहीं ना कहीं सिमिलर लाइन पे सोच रहे हैं जैसे सर ने भी कहा साबरमती हादसे के बाद साबरमती कांड के बाद जो हुआ सॉरी जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर उसके ऊपर हजारों हजारों डॉक्यूमेंट्रियां फिल्में रिपोर्टेज आपको ऑनलाइन मिलेंगी जो मैंने कहा पहले भी लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई क्या हुआ वॉज इट अंस्पिर वॉज इट प्री प्लान मैं आपको लिख के देता हूं फोन सबके पास है आप जाके देखिए उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है फिल्म जो है जैसे इन्होंने कहा हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है अगर आपको उसके बाद क्या हुआ 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई किसी ने स्पेसिफिकली उन उनसठ लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की यह फिल्म का एक डायलॉग है और यह सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं डब्ल्यू के बारे में सब जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध में होलोकॉस्ट हुआ उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था कैसा हुआ था इन उनसठ लोगों में से किसको दो लोगों के नाम भी पता है किसी को भी पता है उनसठ लोगों में से दो लोगों के नाम नहीं पता है इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए है। साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए दैट्स ऑल से प्लीज हाय समीना हियर फ्रॉम जूम चैनल माय क्वेश्चन Conversation which is happening regarding this movie, uh -huh. it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, you know, because, you know, after watching the movie, both the communities will have their take on this one? And I, the second. I, I want to say something here. Yeah? Hmm. I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion. Because I'm a Hindu. And I want to tell you this that I love all religions. You need to see the film. But at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. And the second question to you is basically uh, even a book has been released, school book basically, which discusses a chapter of godra in Rajasthan by the government over there. Do you feel like any political party was responsible, like we say a Congress for that matter, because of this incident? See, my whole thing is if you see, there is so much research I had. मेरे को तो ऐसे लगा था जब मैं पढ़ रही थी, मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज़ इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी. कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीज़ें हुई हैं बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए uh, कुछ चीज़ें जो कॉमन मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्परेसी थियोरीज़ को टच करके नहीं बनाए हमने फैक्ट्स के साथ बनाए जो कंप्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है उसको लेकर बना है थियोरीज पे हमने

एकदम हैव यू मेड दिस फिल्म यू नो साबरमती रिपोर्ट ट्रीटिंग इट एज अ कॉन्स्परेसी और इज इट बी ट्रेजिक बेसिकली कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें जो हमें सुनने में आती हैं इन मूवी में um, ये दोनों है बहुत बड़ी ट्रेजिडी इसीलिए है बिकॉज uh, ये फिफ्टी नाइन पीपल ऑस दियर लाइव बट कॉन्स्परेसी भी है और ये इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो पिक्चर भुल जाएगी तो मैं नहीं बोल सकती बट <laughs> आप बट एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कॉमेंट्री जो मैं एक्चुअली मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ मैं मैं पहले टीका पहनती थी यू yeah, नो you know? like, yeah. मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे मेरे अपने हिंदुज़्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे मेरे बैंगल्स पे मेरे रिंग्स पे कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूँ तो चांटिंग इज ओके अगर मैं मेडिटेशन करूँ अपने मंत्र बोलूँ तो उसमें जोक्स तो मुझे ऐसा लगता था एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ मैं आई वुड लाइक टू लाइक बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीव इतना शर्माना क्यों और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो चाहे वो भाषा हो चाहे वो आपका आपका पहनने का रहने का तरीका हो उससे आपको शर्माना क्यों जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो लोगों आपको एक सर्टन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट की इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है ये हम सब कर चुके हैं ये हम सब ने देखा है ये फिल्म एक सोशल कॉमेंट्री भी है थैंक यू दिस इज प्रथम फ्रॉम द फ्री प्रेस जर्नल जस्ट टू जस्ट टू एक्सटेंड व्हाट यू जस्ट सेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री इंग्लिश इज इक्वेटेड विद एजुकेशन वर्सटिल इट इज इक्वेटेड विद विजम मोर सो बैक इन द डे वॉट आई वॉन्ट टू यू नो फ्लैश लाइट ऑन इज द फैक्ट दैट हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं यहाँ के सारे एक्टर्स जो हैं हिंदी बखूबी जानते हैं लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है बात होती है सोशलाइजिंग होता है तो वह अंग्रेजी में होता है कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी हिंदी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया एंड द क्वेश्चन इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता Uh, आई ये मैंने somebody, सीन रखा है फिल्म में एक फिल्म का, एक एक का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है हिंदी वालों को नहीं wow. आपके पास पिक्चर तो नहीं है बालाजी टीम जस्ट चेक एकता व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द इंडस्ट्री वेर पीपल मेक फिल्म्स इन द हिंदी लैंग्वेज बट अनफॉर्चुनेटली वेन द सोशलाइज और गिव इंटरव्यूज

हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है लगा कि हिंदी में समझ में इतना इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी अभी कितने बेटर है बट अभी भी कितनी छिटिया हमारे ऊपर यार yeah, uh, ये जो ये जो पहल है ना ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है तौर से पिछले दस सालों में आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं मैं मुंबई का रहने वाला हूं मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूं बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं विश्व भर में घूमता हूं और मैं कई एक्टरों से मिलता हूं यह उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं सिर्फ यह बहुत लोगों के लिए होता है पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में है और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं मुझसे बात करते हैं आते हैं छोटे शहरों से मुंबई आके चार महीने नहीं होते हैं छह महीने नहीं होते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी पे अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं ओन अप टू योर स्टोरी वेर यू कम फ्रॉम और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं मैं गांव कस्बे देश भर में घूमता हूं और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर शर्म क्यों है इसीलिए मैंने ट्वेल्थ फेल में कहा था मैं लास्टली ये कहना चाहूँगा आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि ग्लास चाहे जैसा भी हो पानी साफ होना चाहिए और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं फॉर एग्जाम्पल ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं मैं यूपीएससी की बात करता हूं अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम हिंदी मीडियम वाले दो परसेंट भी सिलेक्ट नहीं होते पर अब वो बदल रहा है आगे चीजें बदलने वाली हैं इनफैक्ट देर आर रीजनल इन फैक्ट इवन ट्राइबल दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिवलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था सो so अभी चीजें बदल रही हैं थिंग्स आर चेंजिंग दिस इज रूना रूना पहले uh, तो बता दूं uh, विक्रांत मैं आपको बहुत पसंद करती हूं बहुत बेहतरीन एक्टर हैं आप थैंक यू सो मच हमेशा लुक फॉरवर्ड थैंक यू सो सो मच काइंड ऑफ यू मैं बहुत खुश हूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद एक हिंदी पत्रकार हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा के बारे में कोई इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है uh, आप में से जो भी जवाब देना चाहे एकता जी आप भी चूँकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है चूँकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है क्योंकि उनके स्टेट का रहा है तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो, जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है नहीं <laughs> आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है और उसी विंग की उड़ान है आना चाहती हूँ आप तो अलग अलग भाषाएं भी जानती हैं uh, ऐसे में जब ये फिल्म आपके सामने आई और आपको कहा गया कि ये फिल्म ऐसे ऐसे रोल है आपको सबसे पहली चीज़ क्या थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा ये तो मैं करके ही रहूँगी क्योंकि आपका रोल चैलेंजिंग है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर से तो जी uh, मेरे लिए पहला रीज़न uh, ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही राइट तो नहीं जा रही बट बिकॉज देखता पिक्टिड अप वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर तो मेरे लिए ये दो पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है रही मेरे किरदार की बात जी वो चैलेंजिंग है हर ऐसा जर्नलिस्ट जो जैसे विक्रांत ने कहा छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके वो आते हैं कैसे वो कैसे वो एक लड़ाई एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते उनकी मॉरल वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है तो आप, आप खो जाते हैं कहीं तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है कि अब वो कौन सी साइड लेगी वो कहाँ जाएगी वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते तो ये सब बहुत सारी इंटरकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया तमिल में काम किया मलयालम फिल्म में काम किया हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है और मैं भी आई एम ऑल्सो क्रिमिनल आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल हियर बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मे बी यू नो आल नॉट गो फार अड तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि आप अपनी भाषा से प्यार करें जस्ट बी प्राउड ऑफ इट

Uh, हमने आपकी जर्नी यू नो बहुत अच्छे से मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है ऐसा नहीं है मिक्स हो जाएगा लेकिन सो हमने आपकी बहुत एक प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है एकता कपूर मैम के साथ आप क्या कहना चाहोगे लाइक like, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके करियर में उन्होंने बिल्कुल नहीं रिदि एज का सबसे आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिदि इज डन मोस्ट ऑफ अ वर्क ऑन ओन मैं मैं एक मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में आ, मैंने काम शुरू किया 2009 में तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की जरूरत थी उनके साथ काम करने के लिए जिसके लिए मैंने बहुत बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविजन करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में तो शायद यू नो फिल्में करने जब मेरी मेरी एक फ्रेंड है तनवीर उन्होंने एक शो बनाया था और असुर वो भी वेब शो था। और वो असुर में मैंने जब इन सब का परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई हमने इनके साथ टी पे काम ही नहीं किया नहीं बट uh, मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ मैं बहुत बहुत गर्व महसूस करती हूँ आई एल बी वेरी ऑनेस्ट कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और uh, मैं बहुत प्राउडली यू नो टेलीविज़न के उस प्यार को सम्मान को और जो यू you नो know, घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ यू नो ऐसे ऐसे करके मिलती हैं आंटी और यू नो you know, बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगता है और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फ़िल्म कर रही हूँ मैं आपको सच बताऊँ तो टेलीविज़न पर जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूंगी चाहे जो भी हो चाहे वो सुपरहिट ना हो आ, यू नो एक साल में बंद हो जाए ना ना चले पाँच पाँच साल लेकिन मैं वैसा ही काम करूंगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि यू नो मे मेरी भी एक आ, अपनी आ, मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविजन से मिली लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीख में वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप जिसका भी हिस्सा मैं बनूँ वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पर मजबूर किया जाए और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है एक तो फिल्म क्या आप हमारे जो देश के पावरफुल लीडर हैं लाइक आ... मोदी जी या अमित शाह इन सभी को आप दिखाने वाली हैं या कुछ आपके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है हाँ जी अरुण ये मैं सामने आपके लेफ्ट में हाँ ये मे मेरी कहाँ कहा वो मैं आई मीन I mean, हम मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना मैं भी फोन करूंगी हेलो मेरी फिल्म देख लो ऐसे तो नहीं होता आपको तो, आपके तो कुछ एक दोस्त भी है हमारे मेरे कोई भी दोस्त तो वहाँ नहीं पहुँचते लेट मी टेल यू ऑनेस्टली वो शायद कहते हों बट नहीं पहुँचते बट बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर uh, राजनैतिक इंसान चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो वो ये फिल्म देखे इस्पेशली इवन द मीडिया पीपल मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें mm. क्योंकि एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में जो मैं इतिहास पढ़ते समझदार है बड़ी बात है कि कल का अखबार जो आता है ना उसमें जो लिखा जाता है वो उस पर ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो और ना हो और ये फिल्म एक्चुअली इन चीज़ों पे है और आप जो बोले ना पॉलिटिशियंस देखेंगे कि नहीं मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें so, रिद्धि जी क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं सो so, अगर कोई एक सवाल जर्नलिस्ट से पूछना हुआ आपको तो वो क्या होगा मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो मतलब बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो ग्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो मेरे मेरे नो आखिरी दो सवाल अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने सर, भी किसी और को भी जि, दे जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग हमसे कोशिश कोशिश सर सर, सर हम हमसे चार भी चार होती हैं एक आपसे आखिरी सवाल कई बार जिक्र आया यहाँ रूना ने जिक्र किया मोदी जी का वही मेरे पीछे जो मेरे साथी मित्र अरुण उन्होंने कहीं अमित शाह का जिक्र किया और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है

मैं, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा इस देश में पूरे साल इलेक्शन चलते रहते हैं ठीक है स्टेट असेंबली इलेक्शन होते रहते हैं प्लीज इसको इस नजरिए मत देखिए और जैसे एकता जी ने कहा कि ये जस्ट चेक प्लीज आंसर मिल जाएगा एकता रिद्धि सबसे पहले टीम इट लुक्स हार्ड एटिंग मेरा सवाल आप तीनों से बनता है जैसे यहाँ पे हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश पत्रकारिता की बात कर रहे हैं एक सोशल कंडीशनिंग वो भी रही है जिससे आप तीनों वाकिफ हैं ताल्लुक रखते हैं वो है टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री जब कोई टेलीविजन से फिल्म में आता है तो वो भी एक हमने देखा है कि वो एक्सेप्टेंस किस लेवल का रहा है आप एज अ प्रोड्यूसर आपने भी फेसेस फेसिस होंगे चैलेंज एज एन एक्टर यू आल्सो हैव ऑल्सो सो प्लीज आप तीनों अपने पर्सपेक्टिव बताएं कि ये भी एक जंग थी जो लड़ी गई है जंग है जंग सी

सिमरन पाजी, नहीं सिमरन पाजी ये बहुत सही चीज कही आपने और आ, मैंने ये कई बार कहा है मुझे 12 साल हो गए हैं सिनेमा में काम करते हुए और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कोल्ड शोल्डर था एक परसेप्शन था एंड आई थिंक हम दोनों ने भी बात की है इस बारे में तो वो है और वो कंडीशनिंग है बट मेरी जंग हमेशा ये रही है कि टैलेंट मैटर करना चाहिए आप कहीं से भी आए आप कोई भी भाषा बोले आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए अगर आप टैलेंटेड है तो आपको वो मौका मिलना चाहिए आई ऑलवेज दैट और वो, वो 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 जंग है जैसे रिद्धि नहीं रिधि को कट के आंसर नो आई थिंक जंग है और मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ और आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलता अगेन टू लुक कूल क्योंकि आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बोलना कि वी आर इंक्लूसिव तो हम uh, आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं लेकिन जब आप रूम से चले जाएंगे या फिर अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपने टेलीविज़न किया हुआ है तो बहुत बुरा लगता है बहुत यू uh, नो you know, आपको चेहरे पे देख के या पार्टी में जरूर बोलेंगे या वो अ ब्रिलियंट एक्टर सो so, यस yes, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन मैंने हमेशा से अपने काम पे फोकस किया जैसे विक्रांत कह रहे हैं मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि गुस्सा बहुत आता है क्योंकि वो आप हेल्पलेस फील करते हैं ना कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ सो so, इसीलिए मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है और एकता जैसे या एटली जैसे या ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते जिनको आपसे आपके काम से मतलब है और वो खुद इतने आई वुड से रेवोल्यूशनरी होते हैं खुद या खुद इतने सरफिरे होते हैं कि वो बोलते हैं कि वी डोंट केयर सो ये जो बीच में मिडियोकर आ, क्राउड होता है ना उन्हीं में ये बातें होती हैं क्योंकि उनको कूल लगना होता है लेकिन जो लोग ऑलरेडी कूल होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता तो हमको सीधा जाके उनसे मिलना चाहिए बहुत ट्रोलिंग होगी बिकॉज मेरे कपड़ों पे लोग बोलते हैं कि मुझे मैं वेरी फार फ्रॉम कूल हूं ओके वी हैव वन मोर मिनट आई विल टेल यू व्हाई आपके आने से पहले हमारे जो फैंस हैं ना हम लोगों ने तीन फैंस को चुने थे उनकी एनर्जी की वजह से सो शैल वी स्टार्ट विद दैट लवली लेडी देयर एक लेडी फैन थी uh, आप खड़े हो जाइए मैम

ओके एंड ऑफ कोर्स रिद्धि मैम के लिए आई हूँ तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी मैंने आपको द मैरिड वुमेन के टाइम से देखा है उस टाइम में मैं आपको फॉलो करना चालू की थी देन इन जवान एंड ऑल्सो इन टाइगर थ्री आई लव यू इन जवान एंड लाइक दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विद एकता मैम सो हाउ आई गेस एवरी वन सभी से पूछ चुके हैं बट आई वॉन्ट टू नो हाउ इज़ हाउ इज़ इट वर्किंग विद एकता मैम लाइक इट्स ब्रिलियंट आई थिंक अगर कोई भी मुझे बोले कि इनके साथ हमेशा काम करो हर प्रोजेक्ट पे काम करो मैं करना चाहूँगी क्योंकि uh, ये डरती नहीं है और uh, ये एज अ प्रोड्यूसर बहुत बेबाक हैं और बहुत ही बोल्ड हैं और बहुत ही कन्विक्शन uh, के साथ काम करती हैं जो भी करती हैं सो आई डोंट नो इफ आई मेक द कट फॉर एवरीथिंग दैट शी डज बट आई वुड लव टू बी मतलब uh, मैं बोलूँगी नेपोटिज्म कैन एन आउटसाइड बी अ पार्ट ऑफ नेपोट

वेल एस्टैब्लिश्ड लोग दे ही नहीं पाएंगे ओके अ बिग थैंक यू टू दैट लिटिल फनेसानी लोगों के सामने खड़े होकर सवाल पूछना दैट वाज वेरी ब्रेव सो थैंक यू एक और फैन है मिस्टर शेट्टी करके कोई है एकता जी इनकी एनर्जी देखिए मैम को दिखाओ क्या एनर्जी है तुम्हारी ना लेनो प्रेमिस्ट नानू राशि करना

ठीक है मैं समझ गई uh, देखिए जब मैंने uh, जब मैंने ये फिल्म साइन करी थी तो आई वॉन्ट टू थैंक माई टीम क्योंकि उन्होंने इतना जैसे विक्रांत ने कहा उन्होंने इतने रिसर्च मटेरियल दे दिया था हमें ऑलरेडी और इतने uh, हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं आपने देखा ही होगा ट्रेलर में तो जैसे हमारे डायलॉग्स दिखे गए हैं जैसे हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज हमारी राइटिंग बहुत स्ट्रांग थी लेकिन पर्सनली uh, अगर आप पूछें तो हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं हम जर्नलिस्ट को देखते रहते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं uh, तो वो देख देख के मैंने ये कैरेक्टर बिल्ड किया अपना uh, एक नई चाह जो होती है जब आप स्कूल से निकलते हैं आप कॉलेज से निकलते हैं और आपकी आँखें मतलब आप बस आँखों में सपने लेके निकलते हैं

अरे तुम्हारी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी भाई बोलो यार यू सो मच थैंक यू आई रियली लव यू टू थैंक यू थैंक यू सबसे पहले विक्रांत सर एंड राशि मैम धन्यवाद आपका इस फिल्म के लिए विक्रांत सर और राशि क्यों नहीं अरे आपको भी धन्यवाद <laughs> एकता मैम आपको भी धन्यवाद सबको अमूल सर और अंशुल सर ठीक है सभी को धन्यवाद इस फिल्म के लिए विक्रांत सर राशि मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जो किरदार है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उससे आज के यूथ के लिए क्या एक मैसेज है आ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा किरदार इस फिल्म में है ये फिल्म देखें लोग सबसे पहले तो ये जाने कि ये कितना पिविटल पॉइंट था हमारे इतिहास का और दूसरा मेरे कैरेक्टर से अगर आप बात कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि लोग डरे ना निडर हो और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा वो अपनी आइडेंटिटी को ओन करें किसी से इंटिमिडेट ना हो किसी से शर्माए ना किसी से घबराए ना बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक हमारे फिंगरप्रिंट की तरह हमारे डीएनए की तरह ना एवरीबडी यूनिक स्टोरी मैं कहानियां बोलता हूं इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं ओन अपू योरी उसी तरह से समर कुमार जो है समर कुमार का एक डायलॉग है फिल्म में मैं वो कहना चाहूँगा, मतलब आप ये idea समझ जाएंगे मैं क्या चाहता हूँ लोग इस फिल्म से ले जाएं। जी हाँ मैं हिंदी बोलता हूँ। और मेरी तरह करोड़ों लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते हैं तो आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू ओन अपू हू दे आर यही तो विडंबना है जो मैंने कहा यही तो विडंबना है हमारे देश की कि टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी साधी लगती है और सीधी साधी हिंदी टेढ़ी मेढ़ी लगती है जो भी जहां से भी आता है साउथ से आता है नॉर्थ से आता है ईस्ट से आता है ओन हु यू आर एंड निडर हो फेस वट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग ईमानदारी से ईमानदारी से फेस करें निडर होके करें और सच्चाई का रास्ता लेना मुश्किल होता है ये हम सब के बड़ों ने हम सबको कहा है ये पहली बार मैं आपको नहीं कह रहा हूँ हमारे बाप दादाओं ने दादियों ने पेरेंट्स ने भाई बहनों ने बड़ों ने हमको हमेशा ये कहा है कि ईमानदारी का रास्ता सच्चाई का रास्ता थोड़ा लंबा रहता है पर वो वो रास्ता लंबा होता है पर वो इवेंचुअली वहां पहुंचाता जरूर है। तो मैं चाहता हूं कि समर कुमार से लोग ये लेके जाए अबिग थैंक यू टू एवरीबडी हमारे मीडिया के भाई बहन दोस्तों को थैंक यू सो मच थैंक यू टू द फैंस अब एक सामने आ जाए फॉर दुनिटी Ladies and gentlemen, Yadra Kega Balaji Motion Pictures, a division of Balaji Telefilms Limited, presents a Vikar Films production, The Sabarmati Report, directed by Dheeraj Sarna, produced by Shobha Kapoor, Ekta Kapoor, Amulvir Mohan, Anshul Mohan, with a worldwide release by Z Studios. The film hits the theaters on 15 November 2024. Thank you, trailer so कीप सपोर्टिंग us. आप हैं तो हम हैं थैंक यू सो मच ये एक ऑडियंस के साथ सेल्फी हो रहा है दोस्तों तो प्लीज रुके हमारे मीडिया के भाई बहन दोस्तों फैंस भी एक ऑडियंस के साथ सेल्फी आप लोग प्लीज रुके रहिएगा हॉल में द साबरमती रिपोर्ट सेल्फी